आज का दिन जो है वो बहुत ही खास है, खासतौर से शिमला वासियों के लिए, क्योंकि उन्हें यह तय करना है कि शिमला नगर निगम में किसके जिम्मे वो वहां की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से घमासान प्रचार का रहा था उसके बाद आज सुबह वोटिंग का दिन है, आज शिमला किस तरह देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए ठीक 8 बजे जो है मतदान शुरू होना है। इस वक्त हम समर हिल में हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह की व्यवस्था है। मतदान से पहले जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से पूरी की जाती है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, पोलिंग पार्टी की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मॉक पोलिंग हुई है, ईवीएम की जाँच की गई है और ठीक 8 बजे का समय है और जो राजनीतिक दलों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंदर थोड़ी तस्वीरें यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो उसको पुख्ता यहाँ पर जो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है चुनावों को लेकर वो यहाँ पर की जा रही है। तो देखिये माहौल की अगर बात करें राजनीतिक दृष्टि से, हम देखें शिमला को अगर हम देखें पिछले 4-5 दिनों में जो यहाँ का तापमान है वो बेहद कम है और आज भी 10 डिग्री के आसपास तापमान है, लेकिन जो सियासी पारा है जी वो जो है वो 40 से पार है, क्योंकि हिमाचल में ज्यादा गर्मी पड़ती नहीं है खासकर शिमला में, लेकिन जो सियासी तापमान है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है और जो प्रत्याशी है वो उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और यहाँ पर हम देखें जो तैयारियां किस तरह से होती हैं पहले मतदान से पहले वो उनको जो है अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो राजनीतिक दल उन दलों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं और यहां पर बता दें इस समर हिल वार्ड की अगर हम बात करें तो जिस मतदान केंद्र पर मैं हूं समर हिल में यहां पर जो है 3 बूथ बनाए गए हैं और ये आप प्रत्याशियों की जो सूची है वो बाहर लगी हुई है और जो नोटिस लगता है पोलिंग एरिया का वो सारी तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर चस्पा की गई है। पोलिंग ऑफिसर साहब को नजर आ रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर जो प्रक्रिया जो होती है मतदान से पहले की वो सारी यहाँ पर पूरी की जा रही है। कुछ देर पहले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आए थे, जो भाजपा की कैंडिडेट यहाँ से वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची थी और सारे यही कह रहे कि फिंगर्स आर क्रॉस्ड। तो जाहिर सी बात है कि दुख की जो है प्रत्याशियों की बड़ी है, राजनीतिक दलों की भी, और इन चुनावों को अगर हम देखें कि किस तरह से बड़े बड़े नेता जो है इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव के लिए उतरे हैं, चाहे वो भाजपा की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, तो इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच ही ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हीं के बीच जो है टक्कर हो सकती है। अभी तक तो ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है, लेकिन जो अन्य दल मैदान में खड़े उन्हें भी कमतर नहीं आंका जा सकता, निर्दलीय भी जो है मैदान में है। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और माकपा ने जो है 4 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और इस समर हिल वार्ड की हम बात करें तो यहाँ पर माकपा का ही शुरू से दबदबा रहा है, लेकिन चुनाव है अब किसी भी दिशा में जा सकता है और यहाँ शिमला की जनता 93,000 से ज्यादा मतदाता है, वो देखते हैं वो मैंडेट अपना किस तरह से देते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे शिमला के शहरवासियों से, अक्सर हमने देखा कि कम वोटिंग यहाँ पर होती है, इस बार जो है अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है घरों से निकले, मतदाता घरों से निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे, क्योंकि ये मौका होता है आपके पास अपने शहर की सत्ता को, अपने शहर के निजाम को चुनने का। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें की गई है कि ये जो मत प्रतिशत जो जिसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जाती है वो भी बढ़े इस बार।